श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 15वां अध्याय जय विजय को सनकादिका साप। पिछले अध्याय में हमने दिति के गर्भ धारण के विषय में सुना। अब आगे श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दित को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज अर्थात वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश छीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवन, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े भी भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्यकारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को भी जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व ही हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर में स्थापित हुआ यह दित्य का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक आदि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्तमय सब लोकों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है। जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं, वहां वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदिनारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाली बाय को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरी कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस,
चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में वेसुद हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देख वहाँ के मंदार, कुंद, कुरुवक तिल अर्थात तिलक वृक्ष, उत्पल अर्थात रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, वकुल अर्थात मौलसरी, अंबुज अर्थात दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदूर्य, मरकतमणि अर्थात पन्ने और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्मफल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगढ़ भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चढ़ कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यों जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पापा पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं, इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो जाती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज भी दूर भागते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा करने पर चलने पर अनुराग जन्य विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से सील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकाद मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डिवड़ियां पार करके जब वे सातवीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आय वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वन माला सुशोभित हो रही थी तथा वहाँ की भौहें फड़कते हुए नासकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योड़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार
पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आय में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक ही जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से अर्थात नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनक आदि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वरूप हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लेक से निकल कर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनक आदि के ये कठोर वचन सुनकर वो और ब्राह्मणों के साप को किसी भी प्रकार के शास्त्र समूह से निवारण योग्य न होने के कारण जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधम धाम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदयधन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि मुनियों का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामराद लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर झिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सदगणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर प्रतीत हो रहा था जैसे वे भक्तों के हृदय को स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थीं, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से
मुखरित वन माला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रही थी। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लज्जाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नाशिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकाद मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते। सनकाद मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चड़ार विंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नाचकार अंदरों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी थी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत कृत्य हो गए और फिर पद्राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चढ़ कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकाद मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभो, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुक्तिजन मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका स्वयं अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद की भी कुछ अधिक नहीं गिनते। क्षमा कीजिए, पुनः सुने, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्रपत आदि अन्य भौं के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी बाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहें, अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिलता है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया
हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।